दोस्तों भारत वर्ल्ड कप में एक और मैच जीत चुका है और ये मैच भी भारत बहुत ही शानदार तरीके से जीता है, जिससे कि रन रेट भारत का और भी ज्यादा हाई हो चुका है। तो इस वर्ल्ड कप में भारत बैक टू बैक दो मैच और अच्छे मार्जिन से जीता है। और भारत के लिए सबसे मेन बात ये रही इस वर्ल्ड कप में कि उनका जो ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा ना बिल्कुल शानदार फॉर्म से, और उन्होंने वर्ल्ड कप के इस मैच में ना बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये वर्ल्ड कप में आगाज भारत का बहुत ही शानदार हुआ है। अब जिससे कि 14 अक्टूबर को जो पाकिस्तान के साथ भारत का मैच है, उससे बहुत ही ज्यादा भारत का कॉन्फिडेंट लेवल हाई हुआ होगा और सभी प्लेयर हाई कॉन्फिडेंट में आके उस मैच में और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और वो मैच ना काफी ज्यादा प्रेशर वाला मैच होता है। लेकिन आज के मैच में रोहित शर्मा ने यह बता दिया क्यों उन्हें स्पेशल प्लेयर कहा जाता है, क्यों उनके 4 दोहरे शतक ऐसे तुक्के में नहीं आए हैं वनडे इंटरनेशनल में, और 264 रन एक इनिंग में मारना कोई आसान बात नहीं है। रोहित शर्मा ने अपना 7वां वर्ल्ड कप का शतक जमाया है, जो कि सचिन तेंदुलकर का एक तो वो रिकॉर्ड तोड़ा है, ऊपर से उन्होंने क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज्यादा छक्के मारने का इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम भी किए हैं, उन्होंने 1000 रन सबसे तेज मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया वर्ल्ड कप में, 7 शतक तो तोड़े ही हैं। तो उसके बाद विराट कोहली का भी फॉर्म बहुत ही शानदार चल रहा है, और जैसे कि सेंचुरी लगा के आए थे तो इस मैच में कुछ ज्यादा करने को नहीं था, लेकिन इस मैच में भी उन्होंने 8 शतक बनाया और नॉट आउट गए, जिससे कि उनका जो वो टारगेट में जो उनको चेज मास्टर कहते हैं ना, वो उन्होंने करके दिखाया कि उनके पास अभी बहुत ज्यादा भी क्रिकेट बाकी है और रन की जो भूख है ना विराट कोहली की, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और बैक टू बैक अच्छी पारी, जैसे कि आप 14 तारीख को ना वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान के साथ महामुकाबला है इंडिया का, तो उसमें बहुत ही ज्यादा ये उनका कॉन्फिडेंट लेवल सब पूरी टीम का बढ़ाएगा। और अफगानिस्तान की बैटिंग, अफगानिस्तान ने स्कोर तो थोड़ा बहुत, क्योंकि दिल्ली की पिच ना इस बार की बहुत ही ज्यादा, बहुत रन लग रहे हैं, जहाँ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में इतने रन लगे थे तो इस मैच में भी बहुत रन लगने की उम्मीद थी, लेकिन उतने रन बने नहीं हैं। और जसप्रीत बुमराह ने ये बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी, जो एक्सपीरियंस है ना भारत का, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तीनों एक्सपीरियंस प्लेयर आज के मैच के हीरो रहे। और बुमराह ने भी 4 विकेट निकाल के ये बता दिया क्यों उन्हें बेस्ट बॉलर कहते हैं वर्ल्ड का। इतने टाइम बाद वो इंजरी के बाद आए, और बहुत सारे उनमें, मतलब एक इंजरी में ना जो प्लेयर की इंजरी होती है ना, प्लेयर भी सोचता रहता है यार अब मैं कैसे कमबैक करूं, क्योंकि बहुत सारे मैटर होते हैं, लेकिन अब उन्होंने इंजरी के बाद भी बहुत बढ़िया कमबैक किया है, आयरलैंड के खिलाफ हो, एशिया में हो या फिर यहाँ पे हो, तो बहुत बेहतरीन। तो बुमराह के भी अच्छे फॉर्म में है, केएल राहुल अच्छे फॉर्म में, हार्दिक पांड्या बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबसे मेन बात यह है हार्दिक पांड्या का बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन देना, क्योंकि हार्दिक पांड्या ही तीसरे सीमर की भारत की कमी पूरी करेंगे अगर उन्हें अश्विन या शार्दुल ठाकुर ऐसे रोटेशन पे चलेगी। वो पिच पे डिपेंड करता है, जहाँ की पिच वैसी हो, जैसे आज की पिच पेसर को मदद थी तो इसलिए शार्दुल ठाकुर, चेन्नई की पिच स्पिनर को मदद थी इसलिए अश्विन खेले थे, तो बहुत चीज ऐसा चलता रहेगा और रोटेशन ऐसी चलती रहेगी। लेकिन सबसे मेन बात है हार्दिक पांड्या का ऐसे फॉर्म में आना और विकेट निकालना, बॉलिंग के साथ फॉर्म में रहना, तो बहुत चीजें हैं अब भारतीय टीम के अब पक्ष में है, जिससे कि ना उनका जो 14 तारीख को वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप में भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जो पाकिस्तान के साथ एक मैच है महामुकाबला, तो उसमें ना बहुत ज्यादा भारत का कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ना जो पाकिस्तान भी जीत के आई है, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा, भारत 2 मैच जीत के आई है उसका भी हाई होगा, ऑस्ट्रेलिया को हराया, अफगानिस्तान को हराया, अब रोहित शर्मा ने 131 रन की पारी थी ना बहुत ही शानदार थी, तो उनका भी हाई होगा। अब बस बचे हैं शुभमन गिल, शुभमन गिल अगर भारतीय टीम में आ गए ना, तो भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कि हर एक डिपार्टमेंट में भारत अपनी सारी, जैसे बॉलिंग में, फील्डिंग में और बैटिंग में, सब कुछ भारत अपने बेहतरीन कर रहा है जैसे करना चाहिए। तो अभी नेट रन रेट भारत का सबसे ऊपर है, भारत टेबल पे टॉप पे बनी हुई है, तो इसी वजह से ना अब सब कुछ अब सही चल रहा है। तो रोहित शर्मा का भी ऐसे रन बनाना, दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट कौन सा प्लेयर लेगा, कमेंट में करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू सो मच।